को। अरे भाई यहाँ पे मिल चुका है जो कि हेल्थ यहाँ पे रिकवर करके हाइट में अपने आप को वापस से लेके चले जाएंगे, एडवांटेजेस रहेंगे। अर्ली फाइट यहाँ पे हुआ ही टीम टप टप की, जिसके कारण यूटिलिटीज थोड़ी सी शॉर्ट है यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, एंड इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर टीएस एफटीएक्स यहाँ से इस फाइट को डिसएंगेज करके फॉल बैक कर चुकी है, जो कि एक ज्यादा बेहतर डिसीजन रहा। बट उसी समय यहाँ टपा टप के करीब टीम सोल के स्काउट यहाँ नजर आ रहे हैं, एंड स्काउट जिस तरफ पड़ रहे हैं उस तरफ ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन होल्ड की गई है। सामने ही प्लेयर नजर आएंगे टीम टपा टप के, एंड उन्होंने सेंस कर लिया कुछ स्प्रे दिया जाएगा, डैमेज दिया जाएगा। वाइपर यहाँ डाउन किए गए थे, एंड वाइपर को डाउन करने वाले प्लेयर को ही डाउन करेंगे स्काउट, एंड इंस्टेंट एलिमिनेट। अब टीम टपा टप बचेगी ट्रायो की जोड़ी के साथ, वाइपर को रेम देने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा, उन्हें रिवाइव दिया गया तो फुल मैन एडवांटेज के साथ नजर आएगी टीम सोल। यहाँ पर एक प्लेयर जरूर से रुकना चाह रहे थे उन्हें रेव देने के लिए, बट अब तीनों प्लेयर्स आगे बढ़कर आ चुके हैं, रिवाइवल का भी इस्तेमाल किया जाएगा, एंड यहाँ पर बिल्कुल आईजीएल को ही डाउन करते हुए, एंड जी गॉड के सामने दे स्काउट, स्काउट भी डाउन किए जा चुके हैं। वाइपर को रेव मिल चुका है, रेगल टॉस एंड वाइपर आगे बढ़कर फाइट लेना चाह रहे हैं, पीछे से जोनाथन आगे बढ़कर फाइट लेना चाहते हैं। जोनाथन की तरफ से कुछ बेहतरीन थ्रोएबल्स जाते हुए जरूर से दिखेंगे, पर टीम सोल अब कोशिश कर रही है प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा जल्द रिवाइव देने की, एंड वही यहाँ पर जोनाथन को भी करना चाहिए क्योंकि फिलहाल सोलो मैन स्टैंडिंग है। जोनाथन एंड उनकी तरफ चार प्लेयर्स का पुश आना बिल्कुल भी नहीं सही रहेगा, एंड हाथ